गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हर हर महादेव, जयशंकर महाराज आप सभी को। और आज डेट है 25th of September। हम लोगों ने कल से डेली व्लॉग स्टार्ट किए थे, वो वाला व्लॉग अभी जल्दी गया होगा, पर चलने वाला मैं एडिट कर रहा था। और रात में एडिटिंग पूरी रात में करता, पर रात में हम पार्टी वार्टी से लगभग 1 बजे आए थे, इसलिए हम लोगों को टाइम नहीं था। और आज भी शुभम वगैरह इन सबको बाहर जाना, तो अभी हम लोग आए हैं गाड़ी साफ करने अपनी। मैंने तो ऑलमोस्ट कर लिए अपने हिस्से की, बाकी की ऐसे नहीं कर रहा है। मुंह में सुपारी खा के वो गिरा, 1% आदमी लगाया कल, बोल तो ढंग से कम से कम। मैं सच बताऊं तो मैं इसलिए साफ नहीं कर रहा है इसकी वजह से, क्योंकि अभी इस पे ये लगी हुई है, नहीं तो मैं अपने इसी के साथ जरूर करता। तो बस घर चलते हैं, नहाएंगे धोएंगे, सुबह सुबह यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया है आज। तो गाइस, गाड़ी पर जब बंदी शीशे में पानी आता है तो कैसे डर लगता है यार। रुक रुक रुक, चला आप चला। शकल ऐसी बैठी सी हो रही है यार। तो गाइस, टाइम हो रहा है अप्रोक्स अभी दोपहर के 12-12 बज गए, और शुभम वगैरह सब बाहर गए, पापा शुभम वगैरह किसी अर्जेंट काम से, और मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि आज ऑफिस में काम काफी सारा पेंडिंग था। मैंने कल भी छोड़ दिया था थोड़ा बहुत काम, आज और ज्यादा काम हो गया, अब मुझे फटाफट काम करना था, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अब नहा धो के फटाफट पहले ऑफिस जाता हूँ। देखो हमारा मंदिर कितना प्यारा है, ये मेरी मम्मा की फोटो है, ये दादू दादी की, भोलेनाथ जी रुद्राक्ष, वो भोलेनाथ जी वो रुद्राक्ष, ये त्रिशूल, इसके पीछे रुद्राक्ष, और वो गौरी शंकर, ये त्रिशूल, वो गंगा जल, तो मेरे पास इतनी जगहों के बड़े हैं। ये अजमिल्ला स्टैचू जो केरल में है। चलो कोई बात नहीं, मंदिर तो दिखा दिया, चलो नहा धो के पहले ऑफिस चलते हैं फटाफट। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था, बिना कुछ लगाए ठीक लगते हैं यार हम भी, यार लड़के वड़के भी यार। मैंने लगभग 6 महीने से फेस वॉश नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली भूख लग रही थी, आधा काम तो हो गया है कंप्लीट। अब मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, और 2:30 बज गए कम, मतलब 2:30 बजे का टाइम हो गया कम से कम, कुछ भी नहीं खाया जब से। अब कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, फिर दोबारा काम करना है। अगेन चल गया खाने में जी। अबे कहेगा सेम फूड सेम टी शर्ट सेम कैमरा। तो गए ऑफिस से 15-20 मिनट का ब्रेक लिया था, बाहर कुछ खाना दिया था, खाने को तो मिला नहीं, सोचा मैं कि घर आते हैं आंटी कहेंगे बेटा कुछ बना दूँ, चलो आंटी ले आओ जी का खाने पीने आ गए। तो आंटी ने पूछ लिया बेटा कॉफ़ी वॉफी नहीं, आंटी रेंडम ने बना दिया, आंटी बोली बेटा बना नहीं थी वो, मैंने चलो आंटी जो ला रही है तो लागा, साथ में नमकीन बिस्किट भी। फ्री का देख रहे हो? तो गए बताओ भैया बताओ ये क्या है, फ्री की तो कॉफ़ी है, फ्री की नमकीन, फ्री के बिस्किट और फ्री की ट्रे, इसमें कुछ कम लग रहा है मेरे को फ्री का। बहुत कुछ हो गया है हमारे पास, हम जो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ किसी बहाने पे कुछ खाने को आए, आ गया है, कुछ ज्यादा ही आ गया है, जो भी आया बहुत टॉप आया है। ये अभी तक टोटा पड़ा है बेचारा, अरे कब ठीक होगा भाई? अक्टूबर में बाय बाय कर दिया को। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉफी एंड कैसे टूटा पड़ा यार, सड़ी हुई थी शक्ल का लग रहा था। कुछ तो बोल, दो शब्द बोल दे, दो शब्द कुछ और कुछ दो शब्द कुछ भी क्या कह सकते, बस अक्टूबर में आएगा भैया वापस, भैया वापस आएगा चांस लेके, देखो देखना। तो गाइस, हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब टाइम हो रहा है लगभग 4:15 बज रहे हैं, यहाँ 4:25 हो रहे हैं, सारा काम खत्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं घर, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा, फिलहाल हम लोग एक कोक का सिप लेते हैं। एक बार और प्लीज भाई, एक बार और प्लीज। कोर्ट नहीं पिला दे, लेके मत जाए इसको, ओए ओए देख रहे हो अत्याचार, देख रहे हो
तो गाइस जैसे दादा दादी वगैरह का श्राद्ध वराद होता है, जैसे उनको जलवल देते, तो अभी अभी मैंने यहाँ पर जलवल दिया है, तभी सारा गिरा गिरा हो गया। कुछ 300-500 लोटे जल देते हैं, तो मैंने अभी अभी जल जल दिया है। मैं घर भी अभी अभी आया हूँ और मैं कुछ खाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया यार, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। पापा शुभम भी आने वाले हैं, तो कॉफ़ी बनाते हैं सबसे पहले। तो गाइस भाई आ गया हमारा, उसको लेने आए हैं अभी अभी जस्ट। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, चलते हैं शुभम को। तो गाइस हम लोग चल रही हैं बर्थडे के दूसरे दिन बर्थडे पार्टी करने। आज शुभम का कल बर्थडे था, तो आज दोबारा हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं मन्नत ढाबा। किसके साथ जा रहे हैं? जो चार पांच लोगों की डाइट ले लेगा इकट्ठी। हाँ तो बताइए क्या क्या खाओगे आप? अच्छा आपको पता है भैया ने डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। आज वाला व्लॉग देखा? कौन सा? हाँ क्या दिया हुआ था गिफ्ट में? क्या लिख रहा है शुभम? अरे वो बेटा इनके ना इधर उधर उड़ रखी है, अभी फैल रही है पूरी। अच्छा कुछ बोल फटाफट, बहुत टाइम से इंतजार कर रही है तेरा पब्लिक यार। गरारे कर रहा है खाने के लिए ताले शुगर। रावण बना रहे हो तुम लोग? मैंने बहुत बनाया ना, और मेरी हेल्प चाहिए तो बता ना। सच में पहले वो कर देना सेवा। काई की? चंदा दे देना। कितना? 100 रुपए ले रहे हो सबसे? तुम मना लेना, मैं बिजी हूँ थोड़ा। सॉरी 50 रुपीज दे देना। अरे मैं तुम्हारा आप आ जाओगे क्या कल? मैं तुम्हारा वैसे ही बनवा दूंगा रावण। मैंने सच में बचपन में बहुत बनवाओगे नहीं मुझे पता है। अरे बनवाओगे नहीं, यहाँ पर टाइम कहाँ है? टाइम वाली बात नहीं है, मैं ऑफिस से टाइम निकाल लूंगा। तुझे ये भी नहीं पता हम लोगों ने कितने रावण बनाए पहले? नहीं पता सच में। शानदार रावण बनाऊंगा, बस कलेक्शन कर लियो तू अच्छा खासा। ऐसा नहीं हो जाए सब इधर उधर गुज्जाड़ दू एंड में भैया पैसे कम पड़ गए मेरे को दे दो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। 180 रुपए। तुमने किया क्या? कितने रुपए इकट्ठे हुए थे? 850 रुपए में रावण बन जाएगा, बच्चों के लेवल का बन जाएगा। तो भैया अभी तो पार्सल से लूंगा, असलम देगा। तो गाइस आप लोग जानते हो जैसे कि मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, तो मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा जो शुरू से करता रहा हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और अगर वीडियो अगर पसंद आएगी तो देखना, मैं कोई ऐसा मैं जबरदस्ती नहीं है, मतलब फोर्स नहीं कर रहा कि देखनी है। और पसंद आए तो आपको वीडियो लाइक भी करनी, कमेंट भी करनी, और हो सके तो शेयर जरूर कर देना, उससे मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलेगी। दोनों कुछ लेकर आया, बड़ी प्यारी सी चीज क्या लाया? ये है क्या है? ओ माय गॉड, ये शॉट कहाँ से होगी? ये ओ तेरी भाई, बड़ा तगड़ा सीन है यार। थोड़ा कितने डायरेक्ट क्या ऊट पटांग चीजें लेकर आता रहता है? नहीं नहीं यार, यार तो खुशबू भी आ रही है यार। सेंट डाली है मैंने। सुनो सेंट डालूं आपके पास है? इधर तो नहीं पड़ी मेरे पास अभी। तो गाइस शुभम भैया के लिए हम केक भूल गए थे, केक लेने जा रहे हैं। अभी इतनी तेज हवा है, डर और लग रहा है मेरे को तो यार। केक की तो होश होना चाहिए था ना तुमको भैया, की केक लग रही है, भूख लग रही है। भूख छोड़ो वो सब छोड़, मस्त मजा आएगा। तो पेंगे शुभम भैया को आज कुछ और क्या, कहाँ से लोगे इतनी दूर आ गए, डांट पड़ेगी घर पे। और ओ सॉरी वहाँ पे। मुझे आ जा लिया सीधी लिया।
गाइज आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ही जाना। जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसको जोर से फोड़ देना। मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल, इसी रूटीन के साथ, या और इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, वो कल की कल ही देखेंगे। तो मिलते हैं कल, बाय।